एक झलक में अपना ये बालकनी भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। हाय। और ये मेरा बेटा है, एक झलक में इसको भी दिखा देती हूँ। हाय गाइस। हेलो गाइस, किचन में खड़ा होके लंच नहीं बना पाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा खड़ा होने का मन नहीं हो रहा है आज मेरा, तो इसलिए मैं आज सोच रही हूँ कि क्यों ना बैठ के बनाऊँ खाना। और खाना बैठ के बनाने के लिए आप लोगों को पता ही है सारा सेट बनाना पड़ता है फिर अलग से, क्योंकि आजकल का किचन जो होता है वो कहाँ बैठ के बना सकते हैं, आजकल के फ्लैट के किचन में तो वैसे भी नहीं बना सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को पूरा सेटअप, मैंने पूरा सामान अपना। इसमें मैं थोड़ा सा ये अभी इसमें मैं डालूंगी, प्याज डालती हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं जो भी बना रही हूँ डिश आप लोगों के सामने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी, और इतना टेस्टी कि मतलब खा के खुश हो जाएगा सबको। और ऑनियन, और इसी में मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्ची ये भी मैं डाल देती हूँ, और इसको भी, और मैं बहुत मस्त बनाने वाली हूँ, देख लीजिए कितना, और बहुत जल्दी बन जाता है, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, और बहुत ही टेस्टी पनीर बनती है ऐसे। तो आप लोग भी एक बार देखिए, मैं कैसे ये सॉल्टी कर लेती हूँ मैं इसको, इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर ये कलर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो कि कलर को एकदम मस्त सुंदर बनाता है, और थोड़ा सा नमक, नमक आ गया, ये रहा आपका नमक। तुम अपने ब्लॉग में, ये रहा नमक, और ये थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी डालूंगी क्योंकि हमारा डिश बिना हल्दी के कभी भी परफेक्ट नहीं होता है, तो मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी डालने वाली हूँ। ये मैंने डाला हल्दी, अभी ये हो गया डाल दिया, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, ये गरम पानी, इसमें गरम पानी डालू, मटर और पनीर लेके आई, और इसमें मैं से बनाऊंगी और सबको दिखाऊंगी। ये रहा, देख सकते हैं आप बड़े आराम से, ये देख सकते हैं इसको मैंने गरम पानी में डाल दिया इसको, और ये मेरा ये सॉल्टी हो चुका, और मैं इसको, ये सॉल्टी हो चुका है, देखिए ये नहीं अच्छी बात है, चलो ये सॉल्टी हो गया, ठंडा कर लेती हूँ। मसाला ऑलरेडी मैंने सॉल्टी करके उसको पीस लिया, अब मैं ऑयल का, अब मैं फाइनली अपना पनीर रेडी करती हूँ। देखिए किस ऑयल डाल रही हूँ, ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा क्योंकि सॉल्टी किया था, तो मैंने थोड़ा ऑयल डाल रखा है इसलिए मैं थोड़ा ही ऑयल डालूँगी। यस, ये मैंने खूब बढ़िया से इसको पीस लिया है। यस, अभी तेल गर्म हो गया मेरा, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला बस, अब तो इसमें ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट डालने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैंने मिर्चा हल्दी नमक ये सब तो मैंने पहले से डाल रखा है। अब हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, और ये इसमें किचन किंग मैंने रखा हुआ है, थोड़ा सा किचन बस, VIRHAB, पूरा मतलब एकदम घरेलू टाइप का जो अपने घर में बनता है उस वैसा मैं पनीर आपको दिखा रही हूँ, और जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसे ही आपको मज़ा आएगा खाने में, और टेस्ट भी आपका ऐसा ही होगा। तो चलिए दिखाती हूँ मैं सारा चीज़ आपको, आप अच्छे से आप इसको देख सकते हैं। ये हो गया, अब मैं इसमें
थोड़ा सा वाटर ऐड करने वाली हूँ, गर्म पानी। देखिए मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करने वाली हूँ, हाँ ना सा मैं पानी इसमें ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं रखना पानी, लेकिन थोड़ा पानी ऐड करूँगी। यस थोड़ा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया अच्छे से। और ये आप इसको रख के आओ, तो सबसे पहले इसको रख के आओ, कुछ मम्मी का हेल्प करो, चलो मम्मी का हेल्प जरूरी होता है। सोना मैं सोची सैलेड काट लेती हूँ, चलो तब तक सैलेड काट लूँ। और इसमें एक चम्मच दो चम्मच, अभी इसमें क्या मिक्स करूंगी मैं, फ्रेश क्रीम। ओके मिक्स, हाँ ये भी इसको मैं करूंगी मिक्स। लाइट गई, गुड, चलो वेरी गुड। अभी हमारा पनीर हो गया रेडी, हाँ ये रहा मेरा, कोई बात रेडी। मैं तो मुंह में पानी आने वाला, देखिए बेटे के मुंह में पानी आ रहा है। और सुनिए मेरे हस्बैंड को तो खाना दे दी अब तो खाना पीना हो गया, मेरा खाना अभी बाकी है और मौसम का नज़ारा देखिए। चलिए गाइस सारा काम फिनिश, सबको लंच करा दी, अभी मेरा भी लंच का टाइम हो गया और इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।